भाई आंटी उंटी को पेल पीट पीट दिया गया, आंटी रो रही है भाई, क्या चक्कर हो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों का भाई एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे नए फ्रेश व्लॉग में। तो भाई आज है फ्राइडे और हम दोबारा से जा रहे हैं एक बार ऑफिस बाइक से। तो आज यार कुछ काम आ गया था जिसके चक्कर में आज मौसम भी बढ़िया हो रखा है, वैसे तो बादल हो रखे हैं हल्के हल्के। बस अपनी वही गुजारिश है यार कि आज बारिश ना हो दोबारा से। पिछली बार तो क्या था, ऑफिस से आते टाइम बारिश हो गई थी तो भीग गए पूरे भाई, जाते टाइम नहीं हुई थी। तो आज भाई ना जाते टाइम हो ना आते टाइम हो, क्योंकि कहीं जाना है हम लोगों को आफ्टर ऑफिस, तो यही है कि यार बारिश से बच जाएँ तो बढ़िया है। एक्चुअली हुआ क्या यार, मेरी मौसी जी आई हुई थी लास्ट वीक, तो वो जब वापस गए तो अपना फ़ोन भूल गए, तो आज उनका फ़ोन डिलीवर करने जाना है। तो देखते हैं कि उनका जो फ़ोन है वो कहाँ डिलीवर करें, दिल्ली या नोएडा में, क्योंकि जितना है कि ऑफिस के आसपास ही करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट काम है, बाकी हम लोग फ्राइडे होता है, फ्राइडे तो हम बाइक से ही जाते हैं ऑफिस। बस ये है कि हाँ मौसम बढ़िया रहे, बस बारिश वारिश ना हो यार। ऑफिस के बाद भी चलो बारिश हो जाती है ना, फिर भी ठीक है, चलो यार भीग के अब घर आ जाओ, बट ऑफिस जाते टाइम बारिश ना हो यार, उसमें तो यार फिर ऑफिस में जा के भीग के बैठो वो भी सही नहीं है। यार बाइक पिछली बार बहुत गंदी हो गई, तो अभी धुलवाई भी नहीं है यार, सारी मिट्टी मिट्टी हो रखी है नीचे ऊपर हर जगह, टैंक वैंक देखो सारा मिट्टी का हो रखा है। तो इसको देखते हैं कल, क्योंकि कल बाहर जाना है हम लोगों को, थोड़ी एक छोटी सी राइड पे जाएंगे, तो उससे पहले सुबह निकलने से पहले बाइक धुलवा लेंगे एक बार, क्योंकि यार बिना साफ़ बाइक के ना राइड करने में मज़ा नहीं आता। बाइक अच्छी अच्छी दिखती रहे तो तभी मज़ा आता है बाइक चलाने का भी, क्योंकि एडवेंचर बाइक में ना ये होता है पानी में से अगर ये गई, क्योंकि तो टायर इसके ना वो कटिंग वाले होते हैं, थोड़े बटन टायर होते हैं, तो पानी इधर उधर सब उड़ा देते हैं, और हल्का फुल्का पानी लगा और आगे वाले में लगा तो वो सारा पाँव पर आता है पानी। तो वो है कि हाँ बिल्कुल ही, अगर आप लोगों को एडवेंचर करना है तो इसको ले जाओ कहीं पर भी। अदरवाइज़ हम लोग पिछली बार ऑफिस गए थे यार, ऑफिस में सारा वो फॉर्मल पैंट्स वगैरह सब गीली हो गई आते टाइम, चलो वो तो आते टाइम का था, बस जाते टाइम ना मिले कुछ। वैसे तो धूप निकल रही है, बारिश होनी नहीं चाहिए, बट भाई पता नहीं है कब कुछ क्या हो जाए। ये देखो ये तो दिल्ली का भाई दिल्ली का हाल है, रेड लाइट जंप कर लेते हैं, देखो विदाउट हेलमेट जा रहे हैं। तो लोगों में यार बिल्कुल भी कॉमन सेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, देखो थोड़ा बहुत तो यार वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, फिर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो फिर लोग बोलते हैं, फिर गाड़ी वालों की दिक्कत निकालते हैं, तो बाइक वालों का होगा तो गाड़ी वाले को बोलते हैं कि तूने मार दिया। तो उस चीज़ में यार थोड़ा बहुत पेशेंस रखो, बाकी लाइफ तो चल रही है बढ़िया। और आप लोग बताओ भाइयों कैसे हो यार, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं यजदी एडवेंचर के लिए, और मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई भी हैं इसके ऊपर, इसकी माइलेज के ऊपर, इसके सर्विस के ऊपर, कैसी परफॉर्मेंस कर रही है सिटी में हाईवे पे, उन सब के ऊपर मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप लोग कुछ भी और होता है यार जो बाइक लेना चाहते हैं तो वो बता सकता है, उसके ऊपर भी बनाएंगे वीडियो। लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो यार पहले लास्ट वीडियो जाकर देखो, उसमें मैंने आप लोगों को माइलेज के बारे में बताया है, ये बाइक कितना माइलेज देती है सिटी हाईवे पे, किस तरीके से बाइक को चलाओ जिससे हाईएस्ट माइलेज निकले। लास्ट टाइम मेरे जो मैंने बताया मेरी इसकी 33 की माइलेज थी इन सिटी, 33 की माइलेज निकाली थी मैंने। तो एडवेंचर बाइक पर 33 की माइलेज इन सिटी निकालना तो मतलब बहुत मुश्किल बात है, तो उसका मैंने बताया कि आप लोगों को किस तरह से बाइक चलानी है, क्या क्या करना है, जो टिप्स एंड ट्रिक जो होती हैं वो सारी बता रखी मैंने, तो वो जाके देखो यार। तो द्वारका में यार इतने कैमरे लग गए ना, हर लाइट पर आपके कैमरे हैं, तो आप ना ही कोई रेड लाइट आप लोग भगा सकते हैं, ना ही आप लोग स्पीड चला सकते हैं, मतलब चलानी भी नहीं चाहिए, बट फिर भी किसी की कुछ इमरजेंसी वगैरह होती है कि लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है, बट उनका भी फिर वो रहता है कि चलान कटने का डर रहता है। तो भाई आगे के जो मुझे हालात दिख रहे हैं ना भाई, आगे बादल हो रखे हैं यार सामने जो मेरे,
भैंस क्या बारिश ना हो बस यार। बाइक से ऑफिस जाने में ना सिर्फ एक यही डर रहता है इस टाइम पे कि बस बारिश ना हो, बाकी तो कुछ भी हो जाए यार मैनेज कर लेंगे। धूप धूप निकल जाए यार, बस भगवान ये सुन ले हमारी गुजारिश। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं वसंत विहार के आगे जाके, अब वसंत विहार से जो अपना रिंग रोड निकलता है वो आ जाएगा, और देन रिंग रोड से डायरेक्ट मतलब रिंग रोड से राइट लेंगे तो फिर वो एम्स से होता हुआ सीधा सीधा बारापुला और अपना नोएडा। किसी को भी आना हो भाई वसंत विहार से तो इस रूट से आ सकता है, ये रूट मतलब सही है, सबसे बेस्ट है क्योंकि मैं तो हमेशा से इसी रूट से आता हूँ। एक धौला कुआ वाला रूट भी आता है, आप लोग उससे भी आ सकते हो धौला कुआ से होते हुए, फिर जब वो सदर बाज़ार पालम वालम वाली साइड से आता है फिर आप उससे आ सकते हो। भाई मसला हो गया कुछ, झगड़ा वगड़ा हो गया, क्या मसला है भाई, क्या मसला हो गया भाई, कुछ भाई आंटी उंटी को पीट पीट दिया गया, आंटी रो रही है भाई, क्या चक्कर हो गया, इसके मार वार दी भाई, ऐसा लग रहा है किसी रिक्शे रिक्शे वाले के मार दिए भाई। रोड पे बाइक वाइक चलाओ या कुछ चलाओ या बहुत आराम से चलाओ, गाड़ी चलाओ तो भी आराम से चलाओ। अब जैसे मेरे को लग रहा है वो भाई अपना गाड़ी से होगा और कोई डिफेंस वाले ही होगा, इस एरिया में ज़्यादातर डिफेंस वाले लोग ही रहते हैं, उससे शायद किसी बच्चे बच्चे को लग गई हो। तो भाइयों आज का कुछ ब्लॉग था यार, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और यार वीडियो देख रहे हो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जाया करो यार, और कोई ना कोई कुछ ना कुछ कमेंट करो, जो भी आप लोगों के सजेशंस हैं, जो भी आप लोग चाह रहे हो तो इस बाइक के बारे में, मेरे बारे में, चैनल के बारे में कि क्या कंटेंट आप लोगों को चाहिए, कुछ चेंज अगर मुझे कंटेंट में करना है तो वो बता सकते हो आप लोग। सजेशन आप लोगों के बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर यार, क्योंकि अभी चैनल स्टार्ट ही किया है तो आप लोग के सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का तो ही आगे जाके चैनल ग्रो हो पाएगा। और अपने दोस्तों के शेयर करो वीडियोस को यार। तो भाई आज के वीडियोस में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड स्टे सेफ।